तो हेलो दोस्तों, इट्स मी डांसर सनातन और इधर से सावित्री। आप सभी को मेरा जोहार, हमारे यूट्यूब चैनल डांसर सनातन में आप सभी का स्वागत। और इधर से हम लोग हो चुके, हम सावित्री दी और प्रेम तीनों हो चुके रेडी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, जो कि बोला था ऑडिशन के लिए जाना है। तो अभी भोर ही भोर, अभी 4:30 बज रही है। और अभी हमारे धन्नू उधर बाहर खड़ी है, निकाल लिया भैया लोग के घर से। और अभी चलिए चलते हैं। और अभी आप लोग ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू देखने को मिलेगा है कि कैसे क्या हो रही हमारी ऑडिशन और कैसे क्या जर्नी रहेगी। तो चलिए इधर से पहले चलते हैं हम लोग स्टेशन, हम लोग धनबाद का स्टेशन। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं स्टेशन हमारी धनबाद की। इधर से हमारे धनों को खड़ा कर दिया और इधर से हमारी ये टिकट कटवा रहे हैं। अभी बाइक यहीं खड़ा कर देते हैं स्टेशन पे, क्योंकि फिर से लेके जाना काफ़ी दिक्कत होगी। सिस्टर और प्रेम दोनों स्टेशन को वहीं पे बाहर पर खड़े। चलिए इधर से जल्दी लेते हैं टिकट और चलते हैं। ये हो चुके हमारे टिकट। तो ये हमारा धनबाद का स्टेशन। तो इधर है फाइनली दोनों मिल चुका है, यहाँ पर आके खड़ा है। क्या देख रहा है? तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग स्टेशन के और जाके देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन रुकी है। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है। यार अभी देखते हैं कि कौन सा कितना नंबर पे हमारी मतलब सीट है। तो फाइनली गाइस हमें मिल चुकी है हमारी सीट, जो कि यहाँ पर है 10 और इधर से 11। और एक जो प्रेम का है, जो कि वो साइड उस साइड दिया गया, थोड़ा 100 नंबर पे है, तो उस जगह पे हम चले जाते हैं। और सिस्टर और प्रेम दोनों ये भी बैठते हैं, मतलब बैठेंगे अभी, वेटिंग जैसे करते हैं यहाँ पर बैठे हैं, अभी बाहर बैठेंगे अभी, क्योंकि हमारे ट्रेन अभी जाने में लेट है थोड़ी सी, आधा घंटा लगभग, उसके बाद निकलेंगे। हमने अपना सीट आ चुकी है, सिस्टर लोग तो उधर उस बोगी पे है। अभी देखते हैं कितना देर तक हमारी ट्रेन खुलती है। और इसके बाद आज का ब्लॉग तो काफ़ी स्पेशल है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए। अभी हमारी ट्रेन रानीगंज से निकल चुकी है। अभी देखते हैं और कितने देर लगती है। इधर बारिश भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी करीबन टाइम हमारी 7:39 हो रही है। और अभी थोड़ा सा वेट इधर बैठ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर बाद आएंगे सिस्टर के पास और देखते हैं कि वो क्या कर रही है अभी। यहाँ से देख सकते हैं हमारे बस और 126 किलोमीटर पहुँचे हैं और अभी बस 157 किलोमीटर बाकी है यहाँ से हमारे हावड़ा का तरफ। हरियाली छाई हुई है और हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में जा रहे, काफी मस्त लग रहा है सुबह का सीन। इधर आ चुका प्रेम हमारी जगह पर गेम खेलने शुरू है। सिस्टर के पास चलते हैं देखते हैं क्या। और इधर सिस्टर बैठे बैठे तब से बोरिंग हो रही, क्या कर रहे तब से? हम सोचे तुम सो नहीं ना गया, सो के उठ भी गए। हम लोग हावड़ा पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब दिक्कत हो गई कि वो जो जगह बताया वो हमें पता नहीं। अभी देखते हैं गूगल वगैरह में सर्च करना पड़ेगा, तभी जाके उधर जाएंगे। अभी जैसे कि अभी 10:35 हो गया और अभी देखते हैं कि इधर के क्या सीन है। और तो इधर से हमने स्टेशन के सामने पर चले चावल खा लेते, नहीं तो भूख लगेगा। काफ़ी सुबह से निकले और कुछ भी खाए नहीं थे, इसलिए चावल ऑर्डर किया और ये अंडा। और इधर शुरू हो चुका है लोग खाने। बस यहाँ से हम लोग एक बस पकड़ लिए हैं। यहाँ से बिहाला बोल के प्लेस है, वहाँ अभी जाना है हमें। और उसके बाद ही वहाँ से अभी पूछताछ करना पड़ेगा, यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बस किधर क्या है। थोड़ा सा पूछताछ के जा रहे हैं, अभी देखते हैं कितना देर लगती है। इधर खड़े हो रखे लग रहा है, जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा जगह फूल है, पैक है। अब देखते हैं कितना देर उधर पहुँचते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, जो कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, हुनरबाज के ऑडिशन पे। और जैसे कि हम लोग हो गया लोचा ये कि प्रेम को अंदर घुसने से मना कर रहा है कि वहाँ पर जगह नहीं है उतना का, अब हमें दोनों ही जाना पड़ेगा और प्रेम को हो सके तो बाहर ही इसको रखना पड़ेगा। अब आगे क्या होता है वो तो अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग दिखाते हैं आगे क्या होता है, मतलब क्या आगे बताते हैं आप लोग क्या होता है इधर का सीन। डांस में जा सकता है बट गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर जो आए एंजॉय काफी कर रहे हैं और यहीं पे मोनू भाई मिल गए हमें। हेलो गाइस, मैं मोनू भाई, कहना था कि गाइस कैसे हो सभी लोग? मतलब क्या बोले, क्या क्या हो रहा है पता नहीं यार। अब लग रहा है जिसको चाहो, अगर आप शिद्दत से चाहो तो मिल ही जाती है। मैंने देखा था इसका वीडियो, मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये मिल जाएगा। मिल गया फाइनली। और मुझे भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था कि इन लोगों को मैं मिल जाऊंगा भाई। मैं
मैं ऐसे देखता रहा, मैं ऐसे गया था देखने के लिए, भाई किसको देख रहा हूँ मैं, सपना देख रहा हूँ ना किसको देख रहा हूँ भाई। अब मैं आज ही मैं वीडियो देखने जा रहा था और मैं सोच सोच के आ रहा था कि काश ये सब मतलब प्रोग्राम ये सब यूनो ये सब हम सब मारे हुए ये सब प्रोग्राम में काश ये लोग आते तो कितना मजा आता। मैं सोच सोच के आ ही रहा था जस्ट रिसेंटली यार, ये तो चमत्कार हो गया, ईश्वर ने मेरा सुन लिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार। कभी दिन मिलेंगे और कभी दिन आप लोग जरूर भाई के जल्दी आएंगे अरुणाचल प्रदेश ना। हाँ अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, तो जैसे भी प्लान बना के रखे हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो लग रहा है फर्स्ट भाई का उधर जाएंगे। हम लोग भी ये भाई लोग भी बहुत जल्दी टीवी में आने वाला है, मैं मोनू भी कॉमेडी मैं भी आने वाला हूँ, आप लोगों ने देखा है बात आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ में भी आएंगे हम लोग का पर्सनली टीवी में तो आए। हाँ तो दीपक लाल को मैंने नहीं छोड़ा था और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो लोग कमेंट करते हैं कृपया करके कहने कहने कमेंट ना करें, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने दीपक लाल को भी मेरे सबक सिखाया है और मेरे लिए कोई दुनिया में मुमकिन नहीं है, मुमकिन ना क्या बोलता है मुमकिन। हाँ चलो नामुमकिन। हाँ और ये मेरा दोस्त है और यहाँ पे दो कबाब पे हरदी बन के कहा है। कहाँ से हो भाई तुम लोग? कोलकाता से। क्या नाम है? फूल हो गया। तो चलिए अभी वेट करते उधर का, हमारे क्या सीन होते उधर के, तो जिसके लिए तब से बैठे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं चलिए उधर का सीन। तो गाइस यहां से हमारी हो चुकी ऑडिशन, क्या हुआ क्या नहीं सभी भी रिजल्ट बताएंगे, चलिए आगे तरफ उसके बाद आपको बताते हैं। तो इधर से आ चुके हैं हमारे चावल हावड़ा स्टेशन पर मछली भात, उधर सब कुछ। तो गैस ये हुआ कि वहाँ हमारा ऑडिशन गया तो वैसे कुछ हुआ नहीं, सिलेक्ट हुआ नहीं। अभी हम लोग घर अब निकल रहे हैं, आज रात के ट्रेन करीबन 11:30 बजे है, और क्या हुआ क्या सीन आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा क्या चीज के कारण क्या हुआ सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है और सुबह से गए थे और इतना मतलब क्या भी बोला, भूखे प्यासे रह रहे तो पूरा हालत गंभीर, शायद सिस्टर भी वही रह के कारण क्या हुआ आप लोग बता कुछ अभी वो बात नहीं बताना है। तो चलिए खाना खाते हैं और इधर से निकलते हैं। आज होप आज का ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो में।